देख लें धुंध का मौसम में, धुंध की वजह से देख आसमान पर भी नज़र आ रही है। अच्छा आपको दिखाते हैं जी, ये धुंध पे ये देख लें जी लोग ठहरे हुए हैं और उसमें चादरें वगैरह ओढ़ी हुई हैं। ये देख लें ये मस्जिद का मंजर, इसमें भी धुंध वगैरह उतरी हुई है। देख लें अंदर से भी दिखाते हैं आपको, करीब से भी दिखाते हैं। देख लें धुंध का मौसम जी, ये जी ये देख लें जी धुंध के अंदर ये चावल छोले बिक रहे हैं जी। बैठे जी आओ, ये देख लें जी धुंध देख लें, मौसम में लोगों ने मुकम्मल कपड़ों के साथ आए हुए हैं और अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी काम कर रहे हैं। देख लें जी धुंध मोबाइल ना सबसे उनके अंदर मशीन वाले काम हो रहा है जी। ये देख लें जी कमेटी चौक में हम ठहरे हुए हैं, क्योंकि हर चीज़ जो है धुंधली आई हुई नज़र आ रही है जी आपको। सब्ज़ी दुकान मार्केट भी खुली हुई है नज़र आ रही है आपको, और इसके अंदर जो है ना धुंध की वजह से आपको जो साफ़ मंजर नज़र नहीं आ रहे। और ये जो देख रहे हैं आप, और ये मरकज़ सेहत है जी, वो भी धुंध की वजह से थोड़ा कुमलाया हुआ है। हाँ जी हम इसमें ठहरे हैं जी कमेटी चौक इलाहाबाद में जी। आज धुंध है, सुबह से धुंध पड़ी हुई है, हर तरफ आपको ये सफ़ेद सी चादर नज़र आ रही है, हर चेहरा आपको धुंधला नज़र आ रहा है। इस मौसम में सबसे बड़ी एहतियात की ये चीज़ होती है कि आप मुकम्मल कपड़े पहने, सर पर टोपी पहने, हाथों के ऊपर वो दस्ताने चढ़ाएँ, और अगर ज़्यादा सफ़र करना हो तो मास्क भी आपको लगाना चाहिए। उसके अलावा आज जो है ना स्पीड जो है ना अपने ट्रैफिक को बहुत कम रखनी चाहिए, क्योंकि सामने ट्रैफिक नज़र नहीं आती, हादसा का बहस होता है। धुंध में जहाँ पर गंदम को फ़ायदा होता है, ज़रात को फ़ायदा होता है, वहाँ पानी मिलता है, तो उस वहाँ पर कारोबार को भी नुकसान होता है, वहाँ पर कारोबार थोड़ा जाम हो जाता है, और स्कूल जाते हुए बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि सर्दी बहुत होती है। वालदैन को चाहिए कि बच्चों को मुकम्मल जैकेट्स वगैरह पहनाएं ताकि उनको सर्दी भी ना लगे और वो अपनी तालीमी सर गर्मी जारी रखें। बहुत शुक्रिया।